पिछले 4 माह में खाद्य तेलों के भाव में नरमी आने से अन्य सामग्रियों की कीमत में कमी आने से महंगाई से राहत मिली थी, लेकिन सरसों तेल के दाम पिछली बार 30 से 35 रुपए प्रति लीटर तक घट गए थे और रिफाइन में 35 से 40 रुपए की कमी आई थी। खाद्य तेलों की कीमतों में पिछले 4 दिन से फिर तेजी आ गई है। पिछले 4 माह में खाद्य तेलों के भाव में नरमी आने से अन्य सामग्रियों की कीमतों में कमी आने से महंगाई से फिलहाल राहत मिली थी, लेकिन कारोबारियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की आवक के आधार पर मूल्य भी उसी अनुसार तय होता है। सरकार ने महंगाई को काबू में करने के लिए पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल पर लगने वाले सीमा शुल्क में कटौती शून्य कर दी है और इस छूट को सरकार लगातार आगे बढ़ाती जा रही है। सीधा फायदा आम उपभोक्ताओं को सस्ते खाद्य तेल के रूप में मिल रहा था, इससे खाद्य तेलों की कीमतों में कमी आई थी। वायदा कारोबार का बंद होना भी भाव में नरमी का प्रमुख कारण रहा। अब त्योहारी सीजन में मांग अधिक होने और आवक कम हो जाने से कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। कारोबारियों का मानना है कि पहले सरसों का तेल 130 से 140 रुपए प्रति लीटर था, जो अब 155 से 160 रुपए प्रति लीटर जा पहुंचा है। वहीं सोयाबीन रिफाइन 130 से 135 रुपए लीटर में बिक रहा था, जो अब 145 से 150 रुपए लीटर हो गया है। इसी तरह पाम ऑयल 120 से 125 रुपए प्रति लीटर था, जो अब बढ़कर 130 से 145 रुपए प्रति लीटर पहुँच गया है। जानकारों का कहना है कि त्योहारों के बाद शादियों का सीजन होने से खाद्य तेलों की कीमतों में कमी होने के आसार फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। आगे भी खाद्य तेलों की कीमतों में बढ़ोतरी जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।